हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम मसल बिल्ड करके हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। आज का वीडियो डेडिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, जिनको नहीं पता कि उन्हें कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करनी चाहिए और कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए। तो अगर आप वो बिगिनर हैं जिसको ये सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। मैंने इस बिगिनर्स प्रोसेस को 3 स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया है, सो बी श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकें। साथ ही इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी कवर किए हैं, सो मेक श्योर कि आप सारा वीडियो देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं कि ये स्टेजेस क्या हैं और हमें इन्हें कैसे करना है। नाउ फर्स्ट स्टेज है फुल बॉडी वर्कआउट। ये स्टेज आपको 2 वीक्स तक फॉलो करनी है और आपको ये फुल बॉडी वर्कआउट हफ्ते में 3 बार करना है। नाउ ये फुल बॉडी वर्कआउट क्या है ये आप देखोगे थोड़ी देर में इस वीडियो में, और ये एग्जैक्ट वर्कआउट आप फॉलो कर सकते हो फॉर 2 वीक्स इन स्टेज 1, 3 डेज अ वीक। आपको ये एक्सरसाइजेस अल्टरनेट डेज पे करनी है। तो आपने फर्स्ट डे वर्कआउट किया, सेकंड डे रेस्ट ले लो, थर्ड डे वर्कआउट करो, एंड देन सो ऑन। तो इस तरीके से आपको 2 वीक्स तक ये फुल बॉडी वर्कआउट करना है। नाउ मेन एम इस स्टेज का ये है कि आप एक्सरसाइजेस समझ सको, उनकी फॉर्म्स एंड टेक्निक समझ सको। तो अगर आपको पहले हफ्ते में सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा फोकस एक्सरसाइजेस को समझने में लगा सको और फिर धीरे धीरे वेट्स ऐड करो, क्योंकि वेट्स के साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको फॉर्म और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, क्योंकि आपको फिर वेट को होल्ड करना है और अपनी बॉडी को बैलेंस करना है वेट के हिसाब से। स्टेज 2 है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। तो इस स्टेज में हमने फुल बॉडी वर्कआउट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, एक है लोअर बॉडी वर्कआउट और एक है अपर बॉडी वर्कआउट। अगेन इस स्टेज को हमें 2 वीक्स तक फॉलो करना है और हमें ट्राई करना है कि हम एटलीस्ट 4 डेज अ वीक यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हम 2 दिन लोअर बॉडी ट्रेन करेंगे और 2 दिन अपर बॉडी ट्रेन करेंगे। आपको ये कैसे करना है, फर्स्ट डे लोअर बॉडी ट्रेन करो, सेकंड डे अपर बॉडी ट्रेन करो, थर्ड डे रेस्ट लो और फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू करो। सो स्टेज 2 में 2 हफ्ते आप ये स्प्लिट फॉलो करोगे। और इस स्टेज में आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, उसके लिए हाईली रेकमेंड कि आप ये वाला मेरा वीडियो जाके देखो, जहाँ पे मैंने लोअर बॉडी और अपर बॉडी एक्सरसाइजेस बिगिनर्स की क्या होनी चाहिए वो शेयर की हैं, ताकि आप ये एक्सरसाइजेस 2 वीक्स तक प्रॉपरली फॉलो कर सकें। फिर हम आते हैं स्टेज 3 पे। इस स्टेज में हम अपने लोअर बॉडी और अपर बॉडी वर्कआउट्स को फर्दर स्प्लिट कर रहे हैं इनटू मसल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज लेग्स ट्रेन किया, कल आप शोल्डर्स ट्रेन कर सकते हो, थर्ड डे पे आप बैक ट्रेन कर सकते हो, फोर्थ डे आपने रेस्ट लिया, एंड देन सो ऑन। सो इस स्टेज में हमारा टारगेट रहेगा कि हम 4 to 5 days a week ट्रेन करें। आप 2 दिन ट्रेन करके थर्ड डे ऑफ ले सकते हो, या फिर आप 3 दिन ट्रेन करके फोर्थ डे रेस्ट डे ले सकते हो। नाउ इस स्टेज में आपको कौन से वर्कआउट्स फॉलो करने चाहिए, देन आई हाईली रेकमेंड कि सबसे पहले तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट जाके देखो। ये वर्कआउट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैंने हर एक एक्सरसाइज बहुत ही डिटेल में और हिंदी में एक्सप्लेन की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हर एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। तो आप या तो मेरे वर्कआउट ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरी वेट गेन चैलेंज की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने मसल ग्रुप्स को सेपरेटली स्प्लिट किया है और सेपरेट वर्कआउट्स मैंने लोड किए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो ऑल ऑफ दोज इस स्टेज में। सो बेसिकली आप स्टेज 1 को फॉलो करोगे फॉर 2 वीक्स, उसके बाद आप मूव ऑन करोगे स्टेज 2 पे, उसको फॉलो करोगे फॉर 2 वीक्स, फिर आप मूव करोगे स्टेज 3 पे, जो कि आपकी फाइनल स्टेज, जहां पे आप अपने मसल ग्रुप्स को स्प्लिट करके फॉर एवर आप वर्कआउट्स करोगे, आप एक्सरसाइजेस चेंज कर सकते हो, अपने आप को चैलेंज कर सकते हो। सो ये थी आपकी 3 स्टेजेस का ब्रेक डाउन। नाउ एक्सरसाइजेस करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वेट गेन करने के लिए इन एक्सरसाइजेस को किस तरीके के न्यूट्रिशन से आप सपोर्ट कर सकते हो, वो देखेंगे हम थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका स्टेज 1 का फुल बॉडी वर्कआउट क्या होना चाहिए।
तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही सिंपल और बेसिक फुल बॉडी वर्कआउट है, काफ़ी इफेक्टिव है आपकी बॉडी को वेट लिफ्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मेक श्योर, जैसे मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप ये स्टेज वन वाला वर्कआउट प्रॉपरली फॉलो करें। अब एक्सरसाइज करने के टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप हाईली रेकमेंड कि किसी तरीके का वेट ज़रूर उठाएं। फर्स्ट वीक ऑफकोर्स एक्सेप्शन है, उस वीक में आप डेफिनेटली बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप हाईली रेकमेंड कि वेट्स उठाओ, तभी आपकी मसल बिल्ड होगी, क्योंकि आपको मसल बिल्ड करने के लिए पहले अपनी मसल्स को ब्रेक करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपनी मसल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन डालना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप वो कर रहे हैं। आप डेफिनेटली स्टेज वन और स्टेज टू में किसी भी तरीके का होम वेट उठा सकते हैं, जैसे कि बैग हो गया, बुक्स के साथ ब्रिक्स हो गई, लेकिन जब आप स्टेज थ्री में आते हो तो हाईली रेकमेंड कि आप वेट्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप किस तरीके से ग्रिप ले रहे हो वेट की और वो लोड कहाँ पे फील हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप कोई घर का सामान उठा के एक्सरसाइज करते हो और जब आप एक्चुअली डंबल्स उठा के एक्सरसाइज करते हो, किस तरीके से वो टेंशन, वो स्ट्रेस आपकी मसल्स पे पड़ता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड दैट्स व्हाई हाईली रेकमेंड कि आप डंबल्स में या किसी तरीके के वेट सेट में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। मैंने काफी सारे लिंक्स छोड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप डेफिनेटली उनको चेकआउट कर सकते हो। दूसरा ये कि हर एक्सरसाइज को नाइस एंड स्लो करो। मेक श्योर कि आप अपनी मसल को टेंशन में ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हो, ऊपर नीचे फटाफट फटाफट नहीं होना है या जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज नहीं करनी है। नाइस एंड स्लो करो ताकि आपके पास टाइम हो माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने के लिए, आपके पास टाइम हो कि आप उस मसल को स्क्वीज कर सको, ताकि आप उस मसल को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सको, सो दैट इट कैन ग्रो मोर और आपको जो वेट गेन करना है वो वहां से आपको मिल सके। तीसरा ये कि अपनी मसल्स को आपको कंसिस्टेंटली चैलेंज करना पड़ेगा। पहले दो वीक आपने सेम वर्कआउट फॉलो किया, सेम वेट आपने यूज़ किया, थर्ड वीक में जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो तो ऑफ कोर्स आपके एक्सरसाइजेस भी चेंज हो रही हैं, उसके साथ ही आप थोड़ा सा वेट भी इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप अपने मसल्स को चैलेंज कर सको। नाउ मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मसल पेन के बारे में, सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट अ लिटिल बिट। सो मसल पेन नहीं है, मसल सोरनेस है। जब आप अपनी मसल्स को किसी स्ट्रेस में डालते हो तो आपके मसल फाइबर्स ब्रेक करते हैं और ये सोरनेस वहीं से आती है। ये आप कब कब एक्सपीरियंस करते हो, जब आप फर्स्ट टाइम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आपने कभी वेट्स नहीं उठाए, आपकी मसल्स पे कभी इतना स्ट्रेस नहीं आया, तो उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस करोगे एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप एक्सरसाइज करना बंद मत कर दो जस्ट बिकॉज ये मसल्स आर सोर। जैसे जैसे मैंने आपको स्टेजेस एक्सप्लेन किया, आप उसी तरह से कंटिन्यू रखो। जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो अपनी मसल को, आप अपने आप को अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, बाकी 4 to 5 days में ये मसल सोरनेस अपने आप चली जाती है। इसके अलावा मसल सोरनेस तब एक्सपीरियंस करोगे जब आप अपनी मसल्स को चैलेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब तक आप 5 kg वेट उठाते आए हो, सो जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आप 6 kg या 7 kg वेट उठाओगे, उस दिन आपको मसल सोरनेस फिर से एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि आपने आपकी मसल्स को चैलेंज किया है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इन्जॉय द सोरनेस। इससे पता चलता है कि आप एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहे हो। नाउ दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू जॉइंट पेन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर आपको एक्सरसाइज की फॉर्म सही से नहीं कर रहे हो और आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, दैट इज द कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, फाइनली इन स्टेजेस में इन सब वर्कआउट्स को सपोर्ट करने के लिए क्या खाना खाएं, कैसा न्यूट्रिशन लें, उसके लिए सबसे पहले तो आप मेरा ये वीडियो जाके देखो, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आपको कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कितने कितने अमाउंट में चाहिए हर रोज, ताकि आप अपनी मसल को ग्रो कर सकें और हेल्दी वेट गेन पुट ऑन कर सकें। ये वीडियो देखने के बाद आप जाके ये वाला वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि आप अपने आप के लिए डाइट प्लान कैसे लिख सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आपने अपना पूरा डाइट प्लान बना दिया, आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर ली कि आपको हर रोज़ कितनी कैलोरीज खानी है, कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, एक बार आपने वो सब कैलकुलेट कर लिया और एक बार आपने अपना डाइट प्लान बना लिया, देन यू आर ऑल सेट। आपको सिर्फ वो खाना अच्छे से खाना है और आपको ये सारे जो स्टेजेस वाले वर्कआउट्स मैंने बताए हैं ये फॉलो करने हैं एंड यू विल स्लोली स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। नाउ इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। अगर आपने एक हफ्ते सब कुछ अच्छे से फॉलो किया और उसके बाद फिर आप ढीले पड़ गए तो ऑफकोर्स रिजल्ट शो नहीं होगा। अगर आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो सबसे पहले तो एक रीज़न ढूंढो कि वाई डू वॉन्ट टू डू दिस। ऑफकोर्स वेट गेन करना है, लेकिन क्यों वेट गेन करना है, वॉट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। वो रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए ताकि फिर आपको कोई रोक ना सके और आप कंसिस्टेंटली काम करते रहें। उसके अलावा आप कोई पार्टनर या बडी ढूंढ सकते हो जिसके साथ आप अपना ये पूरा वेट गेन जर्नी शेयर कर सकते हो, या फिर आप मेरा वेट गेन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप मुझे अपना अकाउंटेबिलिटी बडी बना सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि आई पुश यू, आई चैलेंज यू, ताकि आप इस वेट गेन जर्नी में कंसिस्टेंट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और हेल्दी वेट पुट ऑन कर सकें।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अब आपको क्लियर हो कि आपको यहाँ से क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे प्रोसीड करना है। अगर आपको कोई भी सवाल है आप तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ट्यूजडे 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज।